हे गाइस वेलकम बैक टू बिकम टुडे। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से लेके आए हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी तक आप लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर में सब्सट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू इंटरमीडिएट इक्वल टू प्रोडक्ट आप लोग जान चुके हैं, और इसके अंदर में बहुत सारे टर्म को आप लोग बता चुके हैं, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है जबरदस्त। उसके पहले बता दे सो इजी बट विथ मी बिजी, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा सो इजी बट विथ मी बिजी, मतलब अगर आपको इजी करना है तो मेरे साथ बिजी आपको होना पड़ेगा। आइए आज हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रेट रिएजेंट का। हम बात किए थे जिसमें हम अटैकिंग रिएजेंट बताए थे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए। आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको लगेगा कि सबसे आसान सबसे बेहतरीन बीकॉम ट्यूटोरियल बता रहा है। आइए बात करते हैं। सबस्ट्रेट में जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक एंड साइक्लिक। और अगर ये वीडियो यूनिक लगे और दूसरे टीचर की अपेक्षा यूनिक लगे तो आप लोग इस चैनल को, इस चैनल के साथ साथ इस कंटेंट को दूसरे दोस्तों तक फैला दीजिए। आइए एलिफैटिक, एरोमेटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक के अंदर में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं जिसमें कुछ कुछ मुख्यतः चुन के लाए हैं और बहुत सारे हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका एक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोवाइड कर देंगे हम उसका पूरा लिंक। तो मिथेन, मिथेन का CH4, इथेन, इथेन C2H6, इथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, एसीटोन CH3COCH3, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। ये सारे सबस्ट्रेट हैं जिसके जिसको हम लोग एलिफैटिक के अंदर में रखेंगे। आइए एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में आता है बेंजीन C6H6, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेंजीन पे OH, यानी C6H5OH। टॉलविन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एनिलिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सोडियम बेंजोइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग ये एरोमेटिक कंपाउंड को जानेंगे। और अगर इसका डिटेल्स जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको बेहतरीन ढंग से आपको बताने वाले हैं। अब आइए साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड में देख सकते हैं साइक्लिक बना हुआ सारा, साइक्लोप्रोपेन C3H6, साइक्लोब्यूटेन C4H10, C4H8 और साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोहेक्सेन C6H12। यानी इसका हम लोग सारे जो जनरल फॉर्मूला तो वो सब बात की बात ही है, लेकिन ये सारे क्या कहलाते हैं आपके जनरली, आप जब भी क्वेश्चन बनाने बैठते हो आपको यही सारा चीज मिलता है, आप समझ नहीं पाते है क्या। तो अगर आप लोग को है क्या, आपको कैसे करना है ऑर्गेनिक रिएक्शन, किस तरह से बनाना है और किस तरह ढंग से और भी इजी कर देना है, आप इस तीनों कंपाउंड को पहले आप जानिए, एलिफैटिक, एरोमेटिक एंड साइक्लिक। साथ ही साथ सब्सट्रेट को बता दिए, रिएजेंट को आप समझिए, इंटरमीडिएट को समझिए, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट को लेके आएंगे। और प्रोडक्ट को देखिए हम पढ़ाते पढ़ाते आपको सब चीज बताने वाले हैं, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे। और एक बार फिर से बोल देंगे, अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हम आप लोग को सिखा देंगे, याद रखिए, अगर याद रखिएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन का हम निकाल देंगे बोकला और वो याद रखिएगा सिखा देंगे तो खिला दीजिएगा ढोकला। और ये की जो जो बताते हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, खाली मत बैठिए सिर्फ वीडियो को देखिए, नहीं वीडियो देखने के साथ साथ आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और क्या अभी भी आप लोग को टफ लगता है जो हम आप लोग को इजी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है एकदम जीरो से हीरो की ओर लेके आना। और अभी तक ये जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, और क्या क्या और भी चाहिए, क्या क्या आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर जरूर अपना अच्छा अच्छा कमेंट के माध्यम से आप जरूर जरूर सजेस्ट करें, ताकि हम और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर ढंग से और भी बेस्ट तरीके से आप लोग के लिए प्रोवाइड करें। और क्या मेरा वीडियो और भी जितने भी टीचर हैं और से यूनिक है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, लिखते रहो, होशियार बनिए, एक बार ठान ली कुछ करने का नहीं रुक जाने का। यही इसी में इसी के साथ हम लोग विदाई लेना चाहते हैं, और अगले वीडियो में फिर से आएंगे फिर धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक keep continue keep working hard and keep watching my video। thank you very much।